स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब बोस ने लगाया दिमाग, इसीलिए तो वो बोस है। बोस ने महेश से कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर वो टास्क तुमने कर लिया तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही सबसे ज्यादा परेशान है। ये जॉब मिल क्यों नहीं पा रही है आखिर? जो इंडियन कंपनियां यहां पर रिक्रूटमेंट करती हैं, वो इसके बारे में क्या कहती हैं पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल स्मार्ट एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर। साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था, तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बोस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बोस ने कहा कि महेश आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा इस साल, तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बोस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई यहां तो बटरिंग से ही प्रमोशन होता है, जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बोस की। और उसको गुस्सा आ गया, उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बोस के कैबिन में गया और बोस को बोलता है कि बोस अब मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बोस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बोस मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बोस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है, सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? अब बोस ने लगाया दिमाग, इसीलिए तो वो बोस है। बोस ने महेश से कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर वो टास्क तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा सैलरी दूंगा और प्रमोशन अलग से। तो महेश ने कहा ठीक है। तो बोस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बोस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बोस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूँ, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बोस यहाँ पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा, और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है? आज का यूथ इस फिलॉसफी पे जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा, हमें इतना ही काम करना है, तो आपने प्रमोशन की आस पाल ही क्यों रखी है, और इस मेंटेलिटी के साथ आगे भी कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करने जाओ, तो एक बात याद रखना, अगर वो आपको 100 रुपए देते हैं तो आप उसे 50 रुपए का ही काम करके मत दो, उसे 200 रुपए का काम करके दो, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। उन्हें अपना आदि बनाओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ, उन्हें हद से ज्यादा काम करके दिखाओ, तब मैं आपको गारंटी लेता हूं कि फ्यूचर में आपको ना तो कभी जॉब की प्रॉब्लम होगी ना ही प्रमोशन की। यही सबसे अच्छा तरीका है।